सेकंड फेज की बात करता हूँ तो अब बात आती है असली बात। धंधा शुरू करना है या किया है या चल रहा है तो रोकड़ा कहाँ से आएगा? तो रोकड़ा आने के लिए आपके पास कैपिटल कैसे आएगी, वो आने के लिए आपको क्या करने का है? आपके पास जब बिजनेस शुरू करेंगे ना तो फर्स्ट फेज में अपनी कैपिटल आपको लगाना है। बिजनेस तो आपका है, स्टार्टिंग कैपिटल भी तो आपकी होनी चाहिए। वो जो सीड कैपिटल है वो आपकी लगेगी। दूसरे फेज में जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब अभी आपने या तो कंप्लायंस कर लिया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब आप थोड़ा सा और फंड चाह रहे हैं, तो दूसरा तरीका होता है फ्रेंड्स को आप अप्रोच करते हैं, आप फूल्स भी बनाते हैं, किसी की टोपी किसी के सर लगाते हैं, उसको अपना सपना दिखाते हैं और वो आपके सपने को अगर आपके साथ देख लेता है तो वो फंड्स लगाता है, और रिलेटिव्स को लेके आते हैं कि आइए 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 मैंने बिजनेस शुरू किया है, या तो मुझे उधार दे दो या मेरे धंधे में लगा दो, अपन लोग मिलकर काम करेंगे और आगे चलेंगे। अब देखिए हाउ टू ग्रो फास्ट विद लेस रिस्क। भाई आपने बिजनेस शुरू किया है, आपको फास्ट ग्रो करना है बट रिस्क थोड़ा सा कम रहे तो कितना मजा आए। बट जरा एक बात है, जहां रिस्क ज्यादा है वहीं पर प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो लेकिन रिस्क को ऑप्टिमाइज मिनिमाइज करने के लिए क्या बोला जाता है कि फाइंड अ पार्टनर, एक पार्टनर ऐसा फाइंड कीजिए जो आपके जैसा हो, या तो फाइनेंशियली साउंड हो या फाइनेंशियली भी साउंड हो, आपके साथ काम कर ले तो और बढ़िया। बिकॉज सर एक और एक दो होते हैं, जी नहीं, बिजनेस में एक और एक दो नहीं, एक और एक ग्यारह होते हैं। ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए क्योंकि एक और एक दो तो हुए लेकिन एक के लिंक्स दूसरे के लिंक्स वो दो नहीं वो ग्यारह हो जाते हैं। ये बिल्कुल श्योर शॉट मरा परखा हुआ है। जितने भी लोगों ने मिलकर काम किया उनका बिजनेस धनाधन 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 चलता चला गया। जो सिंगल रहा वो नॉर्मली सिंगल ही रहा है अभी तक, कुछ एक्सेप्शंस अपार्ट, हर जगह पर एक्सेप्शन होती है, ये उसकी एक्सेप्शन है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अभी देखिए आपको अपने क्रेडिट स्कोर के ऊपर काम करना है। सिबिल आपका डाउन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बाउंसेस नहीं होने चाहिए आपके चेक्स के, कोई लोन ले रखा है तो किस्त नहीं फेल होनी चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए और इस तरह से करना है। अभी देखिए जब 6 महीने या 9 महीने हो जाते हैं तो आपको बैंक को अप्रोच करना है, NBFCs को अप्रोच करना है, और फंडिंग के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि अब आपको बड़ा पैसा चाहिए, जो आपकी पूंजी जो आ चुकी है उससे ज़्यादा है। देखिए आप मशीनरी लोन्स के लिए नेशनलाइज बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं, प्राइवेट बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और NBFCs को अप्रोच कर सकते हैं। आप फंड्स ले सकते हैं अगेंस्ट योर स्टॉक्स। भाई 9 महीने के बिजनेस के बाद अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 1 करोड़ रुपये का आपने ले लिया या 50 लाख रुपये का 20 लाख रुपये का जो भी आपने अमाउंट लिया उसके अगेंस्ट में आप ये ले सकते हैं। उसके अगेंस्ट में आपको बैंक फंड कर देगा, नॉर्मल प्रोसेस में कर रहे हैं बैंक साथ, थोड़े से बैंक ना लिबरल हो गए हैं जब से मोदी जी ने ये पॉलिसी निकाली है अपने भारत के लिए कि अपना बिजनेस सबका बढ़िया फले फूले, तो बैंकिंग की तरफ से इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन डाल दिया है। अच्छा एक बेटर ऑप्शन क्या रहता है आज की डेट में, जब बिजनेस आपका 6 महीने 9 महीने पुराना होता है ना तो आपको मोटा फंड चाहिए होता है, उस फंड के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और आपको अपने बिजनेस का कॉन्फिडेंस आ चुका है तो प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी गिरवी रखते हुए बुलाइएगा मत, प्रॉपर्टी को बैंक में रखिए, उसी अगेंस्ट पैसा लीजिए, अपने बिजनेस में डालिए और बिजनेस को ग्रो कीजिए। अच्छा लैब के केस में क्या रहता है ना, आज की डेट में जितने भी NBFCs हैं जितने भी बैंक हैं वो समझते हैं कि कैश का बिजनेस इंडिया से जा नहीं सकता, तो वो कैश की बिजनेस को कंसिडर कर लेते हैं। कोई 75% कंसिडर करता है, कोई 50% कंसिडर करता है, करने के बाद भी आपकी EMI भी पेइंग कैपेसिटी वो निकाल लेता है और आपको फंड दे देता है आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। अच्छा अभी हम बात करते हैं जो हॉट केक है बिजनेस के बारे में, फंडिंग का हॉट केक है USL अनसिक्योर्ड लोन। अभी अनसिक्योर्ड लोन विदाउट कोलेटरल जो रहता है ना उसका बिजनेसमैन सबसे ज्यादा यूज करता है। वो क्या करता है, आकड़े के पास जाता है, वो जाता है फाइनेंसर्स के पास, प्राइवेट फाइनेंसर्स के पास, उसके पास जाके 3% महीना 100 पे 3%, 100 पे 5%, मतलब लगभग 60% तक का ब्याज वो दे देता है प्राइवेट फाइनेंसर को, क्योंकि वो बिना किसी सिक्योरिटी के उसको दे रहा है ब्याज, पैसा दे रहा है। तो अभी मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आपके बिजनेस 2 साल तक हो चुका है या 2 साल तक आपने चला लिया बढ़िया तरीके से,
दो साल तक बैंकिंग ट्रांजैक्शन अगर आपकी हो जाती है, बिजनेस प्रूफ आपका हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट का, आपकी कोई एक चीज यहाँ पर है या घर या कोई और चीज, या आपके रिश्तेदार का घर है जिसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आपको बैंक NBFCs आपको लोन देगी। बेस्ट वे में है आपके बैंक के अंदर 15 से 20 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए लास्ट वन ईयर के अंदर। अगर आपने GST का नंबर लिया हुआ है तो रिटर्न्स फाइल्स होनी चाहिए नॉर्मल कोर्स में जैसे होती हैं, टाइमली, लेट भी होती है कोई बड़ी बात नहीं है, बट दैट शुड बी कंप्लाइंट गुड। उसके बाद वो आपको बैंक जो है 5 लाख तक का फंड तो बड़े आराम से कर देता है, उसके ऊपर फंड में जाएंगे तो आपकी सारी GST की रिटर्न लेते हैं लगभग लगभग 1 साल की। तो 1 साल की रिटर्न आप तैयार रखिए अपनी पूरी बढ़िया तरीके से, 2 साल की ITR, अपने KYC तैयार रखिए, बैंकिंग तैयार रखिए बिजनेस की, ट्रेड नेम का सारा बिजनेस आप अपना तैयार रखिए, सारी फाइल आज से ही बनाइए। ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपका बिजनेस कंसल्टेंट, आपको और कोई बता नहीं सकता। क्योंकि आप अगर लोन वाले के पास जाएंगे वो लोन का समझाएगा, CA के पास जाओगे वो अपने इनकम टैक्स समझाएगा, या आपको ट्रेडमार्क समझाएगा, कोई और समझाएगा, लेकिन बिजनेस कंसल्टेंट के पास जब जाएंगे कि ये मेरा बिजनेस है मेरे को ये सब बताना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं, वो आपको अच्छा कंसल्टेंट रेफर कर सकता है, वो आपको और क्या रेफर कर सकता है, आपको बेस्ट बैंकर रेफर कर सकता है, NBFC रेफर कर सकता है, तो ये सभी काम वो कर सकता है। ये जो लोन रहता है ना जो NBFC से लेता है, ये आपको 12 से 18% के बीच में या 18% तक फ्लैट रेट के ऊपर आपको मिल जाता है, 1% महीने का या 1.5% तक महीने का, ये इजीली मिल जाता है, और उसकी रीपेमेंट बड़ी इजी होती है। रीपेमेंट जो मंथली EMI चलती है उसके अंदर ब्याज और प्रिंसिपल दोनों का पोर्शन रहता है, पे ऑफ होकर 2-3 साल में खत्म भी हो जाता है, तो उतना वजन नहीं पड़ता जितना एक प्राइवेट फाइनेंसर से लेने का पड़ता है। तो अभी हम बात करते हैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 2 से 3 साल में पे। अभी देखिए इतनी सारी बातें हमने करी, इसमें से सिर्फ अपने को ये समझ में आता है कि अगर बिजनेस करना है तो 2 पार्ट देखने हैं। स्टार्टिंग के टाइम पे अपने को कुछ रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस करना है, सेकंड पार्ट के अंदर फंडिंग देखनी है। अगर दोनों चीजें आ जाती हैं तो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप कोई भी कंसल्टेंसी फंडिंग के रिगार्डिंग या बिजनेस के रिगार्डिंग चल रहे हैं तो आप बस नीचे कमेंट पे एक रिमार्क छोड़ दीजिए, या ये जो नंबर ऊपर आ रहा है इस नंबर के ऊपर आप कॉल कीजिए अपनी क्वेरी, वहाँ हमारे जो बैठे हुए हैं एग्जीक्यूटिव उनको लिखवाइए, फ्री कंसल्टेंसी हमारी तरफ से आपको कॉल बैक आएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बता दी जाएगी। तो हम लोग भी अपने देशवासियों के लिए योगदान करना चाह रहे हैं कि हमारा जो बिजनेसमैन भाई है ना वो ग्रो करे, बिजनेसमैन ग्रो करेगा इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। शबा खैर, देखते रहिए हमारा वीडियो, ये वीडियो आपके लिए और हमारे लिए बहुत महत्व